चलो बच्चों, बात नहीं होगी किसी को, शांति बनाए, आवाज नहीं घर पे आवाज नहीं, सिंपल से बच्चों क्वेश्चन, आज क्वेश्चंस कराने हैं, एक्सरसाइज करानी है बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन, पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन, पुट अ टिक ऑन अ करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों, ये नंबर हवा पुट ए टिक पुट अ टिक की ऑन द करेक्ट ऑप्शन, ऑन द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों करेक्ट ऑप्शन पे हमको टिक करना है, ओके okay? सुन रहे सब लोग? यस सर। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें मार दिन कौन बात कर रहा है? बातें नहीं, बातें मत करिए बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट अ हार्डवेयर। बच्चों हमको बताना फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सा डिवाइस जो है जो हार्डवेयर नहीं है। हम बताएं सर। बच्चों कौन सा डिवाइस है? शांत रहिए भाई, पहले हम आपको सुन लीजिए। बताएं शांत शांत, जब बताने के लिए कीबोर्ड कहूंगा कीबोर्ड शांत रहिए। एकदम से सुनाई नहीं पड़ता क्या एक बार में? अभी पहले सबको सुनने दो बेटा, जब हम बताने के लिए बोलेंगे तो बताना, ओके ठीक सर। है? आप लोग तो सुनते नहीं हो बात को कुछ चीज। बच्चों को बताना है कौन सा डिवाइस हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन सुन लो बच्चों, ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कीबोर्ड का, है ना? सेकेंड ऑप्शन है माउस का, थर्ड ऑप्शन है एमएस वर्ड का, और फोर्थ ऑप्शन है जॉयस्टिक का। अब कौन बताना चाहेगा? हाँ सर मैं बताऊं। मैम एमएस सर एमएस वर्ड सर ऋषिराज सर बताओ। ऋषिराज मिस्टर वर्ड सर हम बताएं। हाँ बताओ अनिकेत। सर जॉयस्टिक सर एमएस वर्ड सर हम बताएं। एमएस वर्ड होगा, एमएस वर्ड होगा। क्यों बच्चों? हार्डवेयर क्या होता है? देखो हार्डवेयर होता है जो क्या होता है जो हमको बाहर बाहर से दिख जाता है, ठीक है? कीबोर्ड दिखता है कि नहीं दिखता है? बताओ कीबोर्ड दिखता है ना कंप्यूटर में बाहर से? और बताओ माउस? नहीं दिखता माउस तुमको? दिखता है कि नहीं दिखता? बताओ दिखता है। अब बच्चों एम और जॉयस्टिक क्या है? बच्चों एक स्टिक है, जॉयस्टिक है वो, ठीक है? होता है कंप्यूटर में। पासवर्ड क्या बच्चों? सॉफ्टवेयर है, अंदर कंप्यूटर के अंदर होता है, कंप्यूटर के अंदर होता है। दिखता है? दिखता है क्या? नहीं दिखता। तो एमएस वर्ड पे आप लोग क्या करो, टिक कर लो एमएस वर्ड। ऑप्शन सी बच्चों, ऑप्शन सी सही है, सी ऑप्शन एमएस। एमएस वर्ड टिक कर लो इस पे से। ओके सर। समझ में आया सबको? एमएस वर्ड होगा ना? हाँ बेटा, वो एमएस वर्ड होगा क्या? वर्ड होगा एमएस वर्ड, एमएस वर्ड ना? हाँ डब्ल्यू ओ आर डी एम एस वर्ड।
ठीक बेटा एमएस वर्ड हो गया सबका ये आंसर समझ में आ गया सबको यस सर यस सर आगे देखिए बच्चों यस सर सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों इसमें है सेकंड क्वेश्चन बच्चों द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज सुन लो पहले बच्चों हाँ बताओ रुक जाइए रुकिए सूर्यांश कुमार सर हम बताएं शांत हम जिससे बोलेंगे बताएगा सूर्यांश बोलिए बेटा फुल फॉर्म बताइए सीपीयू का बेटा हमने कुछ बोला भी हम बोलेंगे ना बताने के लिए क्यों परेशान होते हो आप लोग सूर्यांश कुमार रिया कुमारी म्यूट मत करो आप लोग यस सर बताइए सीपीयू का फुल फॉर्म साक्षी बताइए सर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट सर सेंट्रल क्या कंट्रोल नहीं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होगा बच्चों सर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू के बच्चों चलिए करिए सेकंड का ए ऑप्शन सही है सेकंड का ए सही है प्रोसेसिंग यूनिट समझ में आ रहा सबको बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़िए नंदनी थर्ड नंबर पढ़ो बेटा स्पीच फॉर द थ्री स्पीच ऑफ कंप्यूटरिंग इन तेजी से पढ़ो सबको सुनाई दे तेजी से पढ़ो सबको सुनाई दे तेजी से पढ़ो बेटा सब बेटा द सीक्वेंस ऑफ द थ्री स्टेजेस ऑफ कंप्यूटिंग इज बच्चों क्या सीक्वेंस रहता है सीक्वेंस जानते हो लोग सीक्वेंस मतलब जानते हो सीक्वेंस मतलब कौन कौन जानता है सीक्वेंस बताइए ऋषिराज हाँ बोलिए अरे पहले हम बोल रहे हैं सीक्वेंस से बताओ सर सीक्वेंस मतलब क्या होता है बताओ हम बताएं सीक्वेंस मतलब जानता है सीक्वेंस मतलब सर हम बताएं हम बताओ तीसरे का अरे भाई सीक्वेंस मतलब पूछ रहा हूँ तीसरा कर रहे हैं आवाज नहीं आ रही क्या सही से बोल,
आप पूछ क्या जो पूछ रहे हैं उसको जवाब दीजिए पहले. इनपुट प्रोसेस आउटपुट बच्चों सीक्वेंस मतलब होता है. हाँ शांत रहिए. इनपुट प्रोसेस आउटपुट अनिकेत बताइए हम आपसे पूछ क्या रहे बता क्या रहे हो आप सब चिल्ला चिल्ला कह रहा हूँ सीक्वेंस मतलब बताओ अगर आप अपने घर में सुपे हुए हो. हाँ सर आपकी आवाज डिस्टर्ब कर दोगे सर तो. हाँ सर हमारी आवाज आ रही है. हाँ बेटा आ रही है बोलिए. पूरी होती है दूरी नहीं होती बेटा. देखिए सीक्वेंस क्या चीज है जैसे बच्चों ये क्या होता है ये पहले आता है बी से. अगर ए लिखा है तो ए हमेशा बीस लिखा जाए बीस पहले लिखा जाएगा ना. अगर सी भी है तो सी से पहले बी लिखा जाएगा बी के बाद डी. बच्चों ए बी सी अगर कहीं भी लिखा है जैसे अनिकेत नाम है तो अनिकेत के नाम ए से स्टार्ट है तो क्या होगा जो रजिस्टर्ड होगा बेटा सबसे पहले किसका नाम आएगा अनिकेत का आएगा जिसका नाम ए से है. फिर उनका नाम आएगा जिनका नाम बी से है जिनका नाम फिर आएगा सी से है. तो क्रम चलता है बच्चों जैसे सीक्वेंस का हिंदी होता है क्रम. क्रम मीन्स जो पहले होता है उसको बताइए फिर उसके बाद जो होता है फिर उसके बाद जो होता है. तो कंप्यूटर में बच्चों क्या है सीक्वेंस कंप्यूटिंग का पहले क्या होता है सबसे पहले तो बच्चों एक बार जान लीजिए जो हम पूछा करें उसका जवाब दिया करिए. ठीक है पूरी क्लास डिस्टर्ब मत किया करिए आप लोग. अनिकेत खासकर आपके लिए बोल रहा हूँ मैं जो हम बोल रहे हैं उसको सुनो क्या पूछ रहे हैं सर उसका जवाब दीजिए हमको. ओके सुन नहीं रहे हैं बस बोले जा रहे हैं तो बेटा बताओ क्या होगा सीक्वेंस कंप्यूटिंग का सीक्वेंस क्या है बेटा बच्चों पहले इनपुट होता है क्या होता है इनपुट क्या नहीं यूनिट सर इनपुट प्रोसेस नहीं यूनिट. हाँ इनपुट होता है प्रोसेस होता है बच्चों यूनिट. फिर क्या आता है आउटपुट आता है उन्होंने आउटपुट आता है आउटपुट आएगा. ऑप्शन ऑप्शन सी सही है ऑप्शन सी सही है ना बच्चों. यस सर अच्छे से समझ में आ रहा है ना. यस सर ओके वेरी गुड. नेक्स्ट नंबर बच्चों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे ऋषि राज. हाँ पढ़ो बेटा. सीपीयू इज द पल्स डाटा इज बताओ आंसर क्या हो सकता है बच्चों बच्चों क्या क्वेश्चन है. सीपीयू क्या करता है बच्चों डाटा का क्या करता है बच्चों. सीपीयू जगह है जहाँ पे डाटा क्या होता है. सीपीयू प्लेस है बच्चों वो प्लेस है जहाँ पे डाटा क्या होता है बच्चों. रूपाली बताइए रूपाली. ओके आवाज आ रही रूपाली. यस सर बताइए सीपीयू कौन सी वैसी प्लेस है जहाँ पे डाटा के साथ क्या होता है. सर हम बताएं चाहिए जिसका नाम ले वो बताने के लिए बोला हूँ मैं बार बार. हम बताएं कर रहे हैं आप इनपुट नहीं बेटा सर प्रोसेस. हाँ क्या होता है डाटा डाटा हमारा प्रोसेस होता है. हमने क्या किया इनपुट फीड किया है और उस पर प्रोसेस होगा बच्चों. नंदनी यस सर समझ में आ रहा है बेटा. यस सर उन्नति यस सर समझ में आ रहा है बेटा. यस सर आर्यन कुमार रावत. यस सर
समझ में आ रहा है बेटा? तो क्या होता है हमारा जो है डाटा वहां पे प्रोसेस्ड होता है। अनिकेत समझ में आ रहा है? अनिकेत आवाज नहीं जा रही क्या? हमारा डाटा क्या होता है बच्चों? वहां पे प्रोसेस जो होता है, ठीक है, उस पर प्रोसेस होता है, उसी पे तो काम करता है सीपीयू। और सीपीयू क्या कहा जाता है बच्चों? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो बच्चों ए नंबर ऑप्शन जो है इसको आप लोग क्या की टिक करके सही कर दीजिए कि सही है। ओके चलिए बच्चों फिफ्थ नंबर में आइए। फिफ्थ नंबर बच्चों आइए। यस सर। फिफ्थ नंबर पढ़ेंगे अनिकेत। अनिकेत आवाज आई? यस सर आ गई। पढ़ो बेटा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। पढ़ोगे बेटा? जाने दो। नंदिनी आप, नंदिनी नहीं है, आप पढ़ेंगे अनन्या सिंह। अनन्या सिंह पढ़िए। अनन्या सिंह कौन है? आप ही अनन्या, आप ही हो ना? यस सर। तो फिर मैं क्या पूछ रहा हूँ बेटा, पढ़ो फिर। सर फिफ्थ वाला किन वो फिल द ब्लैंक्स? फिफ्थ वाला बेटा, फिफ्थ वाला। अब आप लोग कंप्यूटर वो कौन दूर रखिए फोन को, एक मिनट बेटा, अपने फोन को अपने से दूर रखिए बेटा, हमेशा हाथ के पास में रखिए, ठीक है? फोन को दूर रखा करिए आप लोग। ओके बच्चों ईयरफोन लगाया करिए, फोन को दूर रखा करिए। चलो बेटो पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा अनन्या। सर ये क्या लिखा है? कहाँ पे? कंप्यूटर प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड बाय यू, यू बाय अस, अस अस। बच्चों कंप्यूटर वर्क करता है कब? जब उसको हम लोग क्या देते हैं बच्चों? कंप्यूटर जब काम करता है, वर्क करता है, कब करता है? कुछ उसको हम देते होंगे ना, तब करता है वर्क। जैसे हम लोग वर्क करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? खाना मिलता है। खाना मिलता तभी वर्क कर पाते हैं ना, खाना नहीं मिलेगा वर्क कर पाएंगे हम लोग? एनर्जी नहीं रहेगी, काम नहीं कर पाएंगे, है ना? तो कंप्यूटर के लिए क्या चाहिए? कंप्यूटर क्या चाहिए वर्क करने के लिए बताओ बच्चों? कंप्यूटर क्या चाहिए? आउटपुट, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, इंस्ट्रक्शंस। सर आउटपुट? नो सर। बताइए सब लोग, कोई बताएगा, कोई बताए आंसर से बताएगा जो सर अच्छा बच्चा माना जाएगा। सर आउटपुट। और सब लोग एक बार बताइए धीरे धीरे एक एक करके क्या आंसर होना चाहिए वाला। सब लोग बताएंगे एक एक बार। बी वाला, सी वाला नहीं बोलना है बेटा, बी वाला नहीं, उसको पढ़ के बताइए क्या है वो। सर आउटपुट। जो बोल चुके बार बार ना बोले, जो बोल चुके ना बोले। सर मैंने अभी नहीं बोला है। हाँ बोलो फिर। सर आउटपुट। रिया को आंसर देना चाहता है? रिया कुमारी, रूपाली आप लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? सर आउटपुट है बेटा, जो आंसर कितनी बार बोलोगे इसी से? सब गलत है, सबका गलत है, सबका गलत है एक तरफ से। कोई सही नहीं बता रहा। हाँ अब बोलिए, अब बोलिए साक्षी एकदम सही आंसर, ठीक है?
इंस्ट्रक्शन बच्चों हम लोग देंगे तो कंप्यूटर वर्क करेगा, जैसे इंस्ट्रक्शन हमारे होंगे वैसा ही वर्क करेगा। हम लोग जो कहेंगे गेम खोलने के लिए कहेंगे गेम खोलेगा, म्यूजिक खोलने के लिए कहेंगे म्यूजिक खोलने कहेगा, गूगल खोलने के लिए गूगल खोलेगा, कंप्यूटर वैसा वर्क करेगा जैसा हम लोग कहेंगे, है कि नहीं बच्चों? बोलिए। चलो आइए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे बी में, क्वेश्चन नंबर बी में चलते हैं, बी में बच्चों। जल्दी कर लीजिए, बी नंबर में आता है फिल इन द ब्लैंक्स। हो गया बच्चों सबका? यस सर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, रूपाली पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक का फर्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर मशीन, कंप्यूटर इज द मशीन, दैट डाटा। क्या करता है बच्चों कंप्यूटर? एक मशीन है और क्या करता है डाटा के साथ? सही है, डाटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है। क्या करता है बच्चों? प्रोसेस करता है तभी आउटपुट देता है। से बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? प्रोसेस करता है कि नहीं करता है? यस सर। कंप्यूटर जो है डाटा के साथ क्या करता है? प्रोसेस करता है। डाटा हम लोग फीड करेंगे, जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे क्या करेगा? उस पर काम करेगा, उसको प्रोसेस करवाएगा, है ना? रिया कुमारी पढ़ेंगी अब। रिया कुमारी आवाज आ रही है? रिया कुमारी आवाज आ रही बेटा? यस सर। पढ़िए बेटा। यस सर आ रही, तब भी रीड नहीं कर सर, रीड नहीं करने लगता बेटा। बी नंबर कराओ, बी नंबर पढ़ो आप, इसका जो सेकंड नंबर है पढ़ो बेटा, सेकंड नंबर पढ़ेंगे आप, पढ़िए बेटा। सर रीड करना नहीं, रीड करना नहीं आता? नो सर। बेटा कैसे सीखोगे, ये तो पढ़ोगे नहीं, जब तक डरोगे तो कैसे पढ़ोगे बेटा? जब सबसे जरूरी क्या है रीड करने के लिए, हम अपने आप को खोलें, हमको गलत आता तो पढ़ो बेटा, ठीक है? आपको गलत सही जो भी आता पढ़ो, मगर सबसे बच्चों सब लोग ध्यान दें एक बात को कि जिसको रीडिंग में प्रॉब्लम आती है वो घर पे क्या करे, टूटी फूटी जैसा भी पढ़ सकता है वैसा पढ़े हो, ठीक बच्चों? ओके हाँ तो पढ़ो बेटा साक्षी गुरु रिया। यस सर। ट्राई करना, चलो घर पे ट्राई करना अच्छे से। साक्षी पढ़ो बेटा, साक्षी पढ़ो। साक्षी सर पढ़िए बेटा सेकंड नंबर सर। डाटा पढ़ बच्चे, जो प्रोसेस करता हो जाता, जो पढ़ दिया बेटा, दूसरा बस पढ़ लेना, बाद पढ़ लेना बेटा। अरे बेटा कहता हूँ कि इसके बाद पढ़ लेना, आप लोग टाइम उसमें मैं कर करके टाइम खराब करते हो। प्रोसेस डाटा बेटा, जो प्रोसेस डाटा होता है, जो प्रोसेस प्रोसेस जो लिख गया, अगर ध्यान देना आप लोग, बच्चों इसका मतलब क्या है आप लोग समझिएगा, इसके मतलब क्या है? डाटा के ऊपर प्रोसेस ईडी लग गया ना, प्रोसेस जो हो गया ना, क्या हो गया? प्रोसेस जो बच्चों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ यही होता है कि डाटा जो था ना उसको प्रोसेस हो चुका है। तो पहले क्या था, डाटा आया उससे क्या किया, सीपीयू ने प्रोसेसिंग किया, किया क्या, प्रोसेसिंग कर रहा है, काम हो रहा है। उसके बाद बच्चों जब काम खत्म होगा, प्रोसेस हो चुका, अब बन गया क्या हो, डाटा।
डाटा जो गया था बन गया प्रोसेस डाटा, क्या बन गया प्रोसेस डाटा। बच्चों जब काम होने के बाद क्या रहता है बेटा, प्रोसेस डाटा, उसी को आउटपुट कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। बाबू तेरे मोबाइल पे कर सर, इसका आउटपुट होगा, इसका आउटपुट नहीं बता, इसका होगा इंफॉर्मेशन। अब देखो जो प्रोसेस डाटा हमने क्या किया, जैसे हमने क्या किया 2 into 2, हमने पूछा कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन दिया, इसको क्या किया उसने प्रोसेस किया और बताया 4, क्या बना कंप्यूटर बताया कहा कि 4 होता है, जब 4 बताया उसने इसका मतलब क्या दे रहा है हमको, इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या दे रहा है इंफॉर्मेशन, इसका हो जाएगा 2 वाले का इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बच्चों हो जाएगा। ओके नंदिनी पढ़ो बेटा, आप पढ़ना चाहती थी ना, पढ़ो। यस सर, बी इनपुट डाटा एंड सर बी इनपुट डाटा एंड बस इन इनटू आ कंप्यूटर। हाँ बेटा, हम लोग क्या देते हैं डाटा के साथ साथ कंप्यूटर में, बताइए, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डाटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, है कि नहीं बच्चों। डाटा भी देते हैं इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। ओके बच्चों समझ आया। ओके सर। यस इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कंप्यूटर चलेगा कैसे, डाटा नहीं देंगे तो कंप्यूटर बताएगा क्या, तो दोनों चीज जरूरी है, इंस्ट्रक्शन भी और डाटा भी। बच्चों फोन नंबर पढ़ेंगे आर्यन कुमार रावत, आर्यन कुमार रावत आवाज गई यहाँ तक, एक तो म्यूट करके बैठे हो ना आर्यन, क्लास आउट कर देंगे। आर्यन कुमार रावत हाँ पढ़िए। बुक है सर? बुक नहीं है। आप बिना बुक के बैठे हो? क्यों नहीं बेटा, चलिए पढ़िए। उन्नति राज नाम ले लिए तो उन्नति पढ़ेंगे। पढ़ो बेटा फोन नंबर, रिजल्ट obtained coordinate of computer is called। बच्चों जो रिजल्ट आता है कंप्यूटर से, जो हमने जो भी सर्च किया है, जो भी हमने किया उसका जो रिजल्ट आता है उसे बोलते क्या है बच्चों? सर थर्ड वाला क्या था? थर्ड वाला भी क्या कर रहे थे, अभी दिक्कत करवा रहे थे तो सर आउटपुट, आउटपुट हो जाएगा इसका बेटा। थर्ड वाला भी करवाए थे ना, जो लिखो थर्ड वाला, थर्ड वाला लिख लो जिसको लिखना हो। फोर आउटपुट ओ यू पी पी इंस्ट्रक्शन, थर्ड वाला ये थर्ड फोर वाला थर्ड वाला। चलिए फिफ्थ नंबर पढ़ेंगे दिवांशु, दिवांशु है ना नाम आपका, दिवांशु राव। यस सर मेरे पास बुक नहीं है। हाँ तो मैंने दिख गया, बता दे कर दिया सर, मेरे पास बुक नहीं है। ऋषि राज पढ़िए फिफ्थ नंबर, डाटा कंप्यूटर
बच्चों जो डाटा इंस्ट्रक्शन होते हैं हम लोग कंप्यूटर में फिट करते हैं डालते हैं किसके द्वारा डालते हैं किस डिवाइस से डाटा इंस्ट्रक्शन किस कैसे करते हैं डालते हैं हम लोग कंप्यूटर में कैसे फिट करते हैं इनपुट डिवाइस हाँ इनपुट डिवाइस से वेरी गुड इनपुट डिवाइस हम लोग क्या करते हैं फिट करते हैं अनिकेत नहीं है अनन्या सिंह यस सर लास्ट क्वेश्चन पढ़िए फिर से लास्ट क्वेश्चन पढ़िए The result for a computer are so ये क्या लिखा है obtained on dash बच्चों जो रिजल्ट हमको मिलता है हमारा जो रिजल्ट आता है ठीक है कहाँ से आता है किसमें आता है आउटपुट डिवाइस से वेरी गुड तो कर लो इसको आउटपुट डिवाइस आप और इसके बाद हम लोग बाकी का जो है नेक्स्ट टाइम करेंगे आज यहीं तक करेंगे बच्चों ठीक है सर सर आपने एक बार होमवर्क दिया था वो उसमें लिखा था चैप्टर 2 द फिल इन द ब्लैंक हाँ तो सर पढ़ाया नहीं तो उसमें सर लिखा था सेकंड चैप्टर तक फिल इन द ब्लैंक सर पता है सर फर्स्ट चैप्टर का लिख दिया था बेटा हो सकता है गलती से लिख गया होगा ठीक है फर्स्ट चैप्टर का ही करना ये जो पढ़ाया गया था ठीक है हाँ गलती से लिख गया होगा सर हाँ बेटा सर कंप्यूटर का हार्डवेयर करवाए हैं हाँ बेटा कंप्यूटर का हार्डवेयर आप करवाए हैं हार्डवेयर होमवर्क सर इतना ही कर पाएंगे हाँ थोड़ा बहुत देते हैं ठीक है बेटा ठीक बच्चों आप चलते हैं ठीक है मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पर ओके बाय बाय बच्चों बाय सर बाय सर